हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिस्कस करने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं अभी लगातार ग्रो कर रहे हैं। इनके क्वार्टर रिजल्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है और इनके जो एनपीएस हैं वो भी पहले से बहुत इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। जिस प्रकार के बिजनेस सेगमेंट में ये काम करते हैं, यहाँ पर इनका मोस्टली जो बिजनेस एक्सपेंडेशन होता है वो रिटेल यानी इंडिविजुअल कस्टमर्स के थ्रू पे होता है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज जो ये प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इस तरीके की बैंक्स के ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ से लोन रीपेमेंट काफी इजिली कस्टमर से निकल के आ जाता है बैंक के पास। तो एक बार हम कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने विकिपीडिया पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुछ डिटेल्स को ओपन किया हुआ है। जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2017 पे बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। उसके पहले ये एयू फाइनेंशियर्स लिमिटेड के नाम से एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी थी। पहले व्हीकल फाइनेंस कंपनी के रूप में कंपनी ने अपने बेस को एस्टेब्लिश किया, जयपुर में हेडक्वार्टर्ड थे और उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपेंड करते चले गए और 2017 में बैंकिंग का लाइसेंस लेके सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाले एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए और इंडिया के लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी करंट की डेट पे। तो एक बार जैसे कि यहाँ भी मेंशन है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 355th रैंक पे था फॉर्च्यून इंडिया 500 पे विद एनुअल रेवेन्यू ऑफ 3400 करोड़ के आसपास, यानी 3400 करोड़ के आसपास इनका नेट रेवेन्यू निकल के आया है साल भर में। तो और इनके पास जो बेस एसेट है लगभग 31-32 हजार करोड़ के आसपास इनका जो एसेट था। तो इस तरीके की कंपनी के लगातार ग्रो की हिस्ट्री है और जो इनके एमडी और सीईओ है संजय अग्रवाल जी, वो एक वेल नोन चार्टेड अकाउंटेंट है जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। तो इस तरीके की जहाँ पे बिजनेस अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो इस तरीके की कंपनी के जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी इस तरीके की कंपनी के और ज्यादा ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से जैसे यहाँ पर कुछ डिटेल दे रखी है कि बैंक्स ने अपने फ्रेमवर्क में मिस्टर एस श्रीराम जो कि फैकल्टी मेंबर हैं आईएम बैंगलोर के, उनको चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पे भी लिया हुआ है, बोर्ड मेंबर में उनको शामिल किया था। और उसके बाद इन्होंने एयू रॉयल करके एक अकाउंट ओपन किया था जिसमें सेविंग, ट्रेडिंग और डीमैट यानी तीनों 3-in-1 सेविंग अकाउंट टाइप में ये ओपन किया था। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और हम इनकी हिस्ट्री को, जो अपॉइंटमेंट हिस्ट्री को देखें, तो जैसे मिस्टर वीजी कनन एक्स सीईओ थे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के, उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इस तरीके से ये लगातार अपने टीम्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग फील्ड के रेनॉन डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करते जा रहे। तो इस तरीके की कंपनी जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो, एक वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हो और लगातार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हो, बैंक ने फाइनेंशियल्स के थ्रू बैलेंस शीट के थ्रू अपने आप को प्रूव किया हो, तो अगर हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन से लगभग 10 साल 5 साल के लंबे विजन के हिसाब से अगर हम इस कंपनी में एंट्री लेते हैं और धीरे धीरे जिस प्रकार से फाइनेंशियल अगर इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो हम अपनी पोजीशंस को इस पे बना के ट्रस्ट के हिसाब से अगर रखें तो यहाँ से काफी अच्छा फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके की बैंक में, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस इंडिया में लगातार ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि अभी करंटली इनका एयूएम जो फर्स्ट माइलस्टोन जो इन्होंने मेंशन किया कि इनका डिपॉजिट्स जो है 50,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इनकी जो केयर रेटिंग्स है वो इम्प्रूव हो गया, ये ए स्टेबल की अभी रेटिंग है करंटली इनकी। कंपनी ने जून 2022 में बोनस भी अनाउंस किया था। एक बार यहाँ पे एनएससी के साइट पे भी एक डेटा दे रखा है, 9 जून 2022 को कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस अभी लगभग हाफ पे ट्रेड कर रहा है बोनस देने के बाद से। 1:1 यानी कि एक शेयर के बदले एक बोनस दिया था कंपनी ने। तो उसके बाद लगभग 1100 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा था, तो 500-600 के आसपास ये शेयर प्राइस एडजस्ट हो गया था। एक बार हम कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ का है। यह मिड कैप टाइप की कंपनी है, मिड कैप टाइप की बैंक है, तो इसमें वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा रह सकती है। बट कंपनी का जैसे आरओसी 7% है, आरओई 16% के आसपास है। किसी भी फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, बैंक के केस में आरओसीई से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी पे ज्यादा फोकस होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है, काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। स्टॉक पी 30 का है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे
ट्रेड नहीं कर रही। एक बार अगर हम इनके प्रमोटर्स या शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 25% के आसपास होल्डिंग है। FIIs ने डोमेंटली लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और करंटली FIIs के पास 39% की होल्डिंग है। DIIs के पास भी लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते गए और DIIs के पास लगभग 20% के आसपास होल्डिंग है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक में लगभग 12% के आसपास रिटेल पब्लिक की होल्डिंग है। तो काफी अच्छी डिसेंट पब्लिक होल्डिंग वाली कंपनी है, प्रमोटर्स स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर एक बार हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी लगातार अच्छा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट करती है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व्स लगातार बढ़ा है और बारोइंग्स जो कि किसी भी NBFC या बैंक के लिए लगातार इंक्रीज हो रही, तो लगभग 58,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जो बारोइंग्स का यानी कि जो डिसबर्समेंट हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बार हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर ले तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। मार्च 2011 में कंपनी की सेल्स 158 करोड़ थी, जो बढ़ते बढ़ते 12 ट्रेलिंग मंथ में लगभग 7600 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स बढ़ के हो गई। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2011 में 42 करोड़ का था, जो 12 ट्रेलिंग मंथ में लगभग 1349 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया। तो कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगातार ग्रोथ हुई। एक बार हम इसका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो इनके रिजल्ट अभी रिसेंट आए हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2118 करोड़ के आसपास निकल के आया है और इनका जो नेट प्रॉफिट है 393 करोड़ का, यानी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट निकल के आया और हाईएस्ट एवर ही रेवेन्यू निकल के आया। तो किसी भी बैंक NBFC की केस में लगातार ग्रोथ होना और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट के साथ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू का जनरेट होना एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है इस तरीके की बैंक में। और अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए भी लगातार डिक्रीज हुए और अभी रिसेंट क्वार्टर में 1.81% के एनपीए, जो पिछले क्वार्टर में 1.90 था, और नेट एनपीए भी 0.51 से के आसपास रह गया। तो काफी अच्छी बात है, लगातार एनपीएस रिड्यूस हुए, बैलेंस शीट काफी हेल्दी है और प्रमोटर्स ग्रुप बहुत ही वेल नोन्ड और एक बहुत ही अच्छी वेल डाइवर्स्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो एक एक बार हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें तो यहाँ मैंने AU फाइनेंस बैंक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो मार्च 2020 के आसपास, फरवरी 2020 के आसपास शेयर प्राइस लगभग 600 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 4200 करोड़ के आसपास सेल्स थी और नेट प्रॉफिट 675 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था पूरे साल का। और अगर हम 12 ट्रेलिंग मंथ में बात करें तो अभी सेल्स लगभग 7600 करोड़ के आसपास हो गई है और नेट प्रॉफिट 1350 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट में डबल की जंप है और जो इनका रेवेन्यू है वो भी अप्रोक्स 2 टाइम ही इंक्रीज हुआ है। तो शेयर प्राइस में एज सच कोई मूवमेंट नहीं अगर हम विद इन 2 ईयर्स की बात करें, क्योंकि पेंडेमिक टाइम पे ये शार्पली डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद वी शेप रिकवरी या के शेप रिकवरी आप बोल सकते हैं, तो इस तरीके की रिकवरी हुई थी मार्केट में और उसके बाद से एक कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट है इस बैंकिंग स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं कि पिछले काफी समय से लगभग 2 साल होने जा रहे हैं इस बैंक को कि एक ही शेयर प्राइस, एक ही रेंज पे शेयर प्राइस मूवमेंट हो रहा है। एक बॉक्स, एक ट्रेड जो चैनल है उसके चैनल में ही ट्रेडिंग हो रही, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिन इस चैनल पे रुकने वाला नहीं है। जब मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ तो मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि जब इस चैनल में काफी दिन एक कंसोलिडेशन हो चुका होता है किसी भी बैंक या अच्छी कंपनी के लिए, तो वहां से एक टाइम करेक्शन निकल के अच्छा खासा हो चुका होता है और बार बार सेम लेवल पे ही रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो बहुत जल्दी, क्योंकि फाइनेंशियल्स लगातार अच्छे हुए हैं, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है इस क्वार्टर पे, तो यहाँ से शार्प रिकवरी के साथ ये ऐसे ऊपर जा सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा डीप डाउन भी देखें तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे एक फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स इस तरीके से मेंशन हुए हैं। तो अगर इसकी डेप्थ के हिसाब से अगर हम इसको ऊपर प्लॉट कर लें, जो ये इसका बेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो ऑल टाइम टारगेट निकल के आता है वो बहुत काफी ऊपर यहाँ से निकल के आता है और लगभग 2000 के आसपास निकल के आता है। अगर करंट प्राइस से हम इस टारगेट की बात करें तो यहाँ से लगभग 2
दो गुना होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह की कंपनी में दो गुना एकदम से नहीं होगा, पर हाँ अगर आप 4-5 साल लगातार बने रहते हैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को अपने रडार पे रखते हैं, बैलेंस शीट लगातार पढ़ते रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स देखते रहते हैं कि हाँ कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं है, लगातार अगर ग्रोथ आती रह रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस 2,000 क्या 4,000 भी जा सकता है। तो आपको बैलेंस शीट और फंडामेंटल पे फोकस करना है, और इस तरीके की कंपनी को आगे सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। थैंक यू।